इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रूफ है। देखो सबसे पहले काम करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं, विच स्टेट्स दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए बन रही है, एडियाबैटिक के लिए बन रही है। एडियाबैटिक की जो इक्वेशन है उसमें डी क्यू को क्या पुट करेंगे, जीरो। तो डी क्यू को हमने जीरो पुट किया, तो डी यू में वन मोल के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी वी। मैंने बताया था कि जब हम डी यू की कैलकुलेशन करते हैं एन सी वी डी टी, उसमें सी पी यूज नहीं करते, उसमें सी वी यूज करते हैं। तो वन सी वी डी टी और वर्क डन क्या होता है, पी डी वी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ गई, इसको संभाल के रखें। फिर आप एक काम करें, वन मोल ऑफ गैस की इक्वेशन लिखें, पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बोथ साइड्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, बाकी सब कुछ चेंज होता है। तो एक काम करते हैं, यू इन टू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार पी कॉन्स्टेंट बाहर और वी की डिफ्रेंसिएशन डी वी बाई डी टी। एक बार वी बाहर और पी की डिफ्रेंसिएशन डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है और राइट साइड पर डी टी बाई डी टी जो कि वन होता है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी टी एलसीएम लिया, डी टी एलसीएम लेके राइट साइड पे आया तो ये इक्वेशन बनी, और सॉल्व करके डी टी एक तरफ आर को इसके नीचे ले आओ तो डी टी की वैल्यू, तो ये आपके पास डी टी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है इसमें, इस डी टी की वैल्यू को नीचे से उठा के इक्वेशन नंबर वन ऊपर पुट कर देना है। ये आपने ऊपर पुट कर दिया, यहाँ से आपने एलसीएम लिया, आर जीरो से कट जाएगा, ये रहा। इसमें से इसे ओपन किया, सी वी को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म आएगी। फर्स्ट और लास्ट टर्म में पी डी वी कॉन्स्टेंट आ गया, तो क्या बचा, यहाँ से सी वी और यहाँ से आर। सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। एक काम करें, दोनों साइड्स को सी वी इंटू पी इंटू वी से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइड किया, पी से पी कैंसिल, सी पी बाई सी वी गामा, यहाँ से सी वी और वी कैंसिल, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड्स की। जब आप दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, गामा कॉन्स्टेंट आ गया, वन बाई वी डी वी वन बाई पी डी पी। वन बाई वी डी वी की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वी, और वन बाई पी की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ पी। तो गामा इसके ऊपर चला जाएगा लॉग के, तो वी रेज टू पावर गामा। तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये टर्म आ गई। लॉग अगर राइट साइड पे जाएगा तो ये ई इसका बेस है, तो ई इधर आ जाएगा रेज टू पावर के, विच इज अगेन अ कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन बन गई, पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट। ये इसकी इक्वेशन है।